हस्तशिल्प की शक्ति है और देशभक्ति है। भारत के इस क्षेत्र में घाटी, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचने को आसान बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में कई दूरदर्शी फैसले लिए गए हैं। जम्मू और कश्मीर में संपर्क को आसान बनाने के क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग 44, 244 और 144 ए को विकसित करने और घाटी से वैकल्पिक संपर्क की व्यवस्था के लिए 11,721 करोड़ रुपए की लागत से 257 किलोमीटर लंबी 25 अहम परियोजनाओं का भूमि पूजन और टेंडर प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसके अंतर्गत गोहा खेलानी खंड का 2-लेन अपग्रेडेशन, खेलानी टनल का निर्माण, NH 244 के 83 किलोमीटर पर बाई डायरेक्शनल सुरंग का निर्माण, पैकेज 1, 2 और 3 में खेलानी छात्रू खंड पर 2 लेन का निर्माण एवं अपग्रेडेशन, 2 लेन किश्तवाड़ बाईपास का लिंक रोड के साथ निर्माण, बंदारकूट से लेकर छत्रु तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का निर्माण, चेनानी से लेकर खानाबल तक 2 लेन का निर्माण जो जम्मू और कश्मीर के बीच हर मौसम में वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, NH 44 के रामबन से बनिहाल खंड में मूल्य संवर्धन एवं मार्ग परिवर्तन के अंतर्गत भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में 4 लेन ट्विन ट्यूब सुरंगों एवं पुलों का निर्माण, साथ ही नाशरी से रामबन के बीच भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में सुरंगों और पुलों के निर्माण से हर समय संपर्क सुनिश्चित होगा, सांबा शहर में फ्लाईओवर का निर्माण, महेश्वर में सर्विस रोड, चीची माता मंदिर के समीप एवं मानसर मोड़ पर VUP का निर्माण, लखनपुर गोल्डन गेट एवं लो गेट मोड़ पर सर्विस रोड तथा पुलों के साथ पल्ली मोड़ के निकट LVUP का निर्माण किया जा रहा है। सामरिक रूप से अहम 168.5 किलोमीटर की लंबी अखनूर पूंछ रोड के अपग्रेडेशन का कार्य BRO द्वारा किया जा रहा है। अखनूर से चौरा तक रोड के अपग्रेडेशन की टेंडर प्रक्रिया एवं कुल 3 पैकेज के अंतर्गत चौकी से दंडेसर तक रोड अपग्रेडेशन के भूमि पूजन के साथ राजल से भटा दुनिया तक रोड के अपग्रेडेशन हेतु 3 पैकेज में टेंडर प्रक्रिया शुरू, यानी अब जम्मू और कश्मीर में सुरंग व पुलों का निर्माण, सड़कों का विकास कार्य और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लिंक रोड से जोड़ने पर स्थानीय निवासियों के लिए आवागमन आसान होगा, कश्मीर घाटी का तेजी से विकास होगा, यातायात खर्च घटने से व्यापारियों का मुनाफा बढ़ेगा, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी, सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव बढ़ेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार की विकासवादी नीति से अब जम्मू और कश्मीर राजमार्गों, सुरंगों, पुलों और वैकल्पिक रास्तों से न केवल सुसज्जित हो रहा है बल्कि सूझबूझ भरे फैसलों से प्रगति की ओर भी बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत के नाम जम्मू और कश्मीर में हो